तो जब भगवान अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं बाबा? महादेव जी कहते हैं भवानी से, हे भवानी, बाबा अवतरित कहते इसलिए होते हैं मेरे ठाकुर, जब धर्म की हानि होने लगती, अधर्म बढ़ने लगता है, तो प्रभु के आने के पहले, मेरे प्रभु तो बाद में आते हैं महाराज, प्रभु के पहले अधर्म जब बढ़ता है, असुर लोग परेशान करने लगते हैं, तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। तो बाबा महादेव जी कहते हैं भवानी से, प्रभु के अवतार के कारण सुनिए कि प्रभु मेरे अवतार किस लिए लिए हैं। तो मेरे भगवान महादेव जी भवानी जी को वाम भाग में बिठा करके और प्रभु की सुपावन कथा को महाराज प्रारंभ कर देते हैं। कथा भवानी सुनती है तो केवल ध्यान कथा में है और कोई बात नहीं है। और महादेव जी क्या मधुर मधुर भगवान की मीठी मीठी रसमय अमृतमय कथा को सुनाते हैं। देवी ध्यान से कथा सुनिएगा, ध्यान रखे महाराज, आपका ध्यान इधर उधर हट गया तो जो एक एक ये क्षण है, दो चीज दुनिया में बहुत दुर्लभ है। कौन सी? नंबर एक सत्संग का क्षण, अन्न का कण, ये महाराज बहुत भाग्य से मिलता है। सत्संग का क्षण एक एक आपका भगवान के खाते में लिख रहा है। यदि आपका मन भगवान की कथा में लगा है, तब मन आपका इधर उधर भटक जाएगा तो जो सत्संग का क्षण चल रहा है ये आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हर क्षण में पता नहीं कब कौन सी कथा ऐसी आपके हृदय में बैठ जाए, ऐसा कौन सा शब्द है रघुनाथ जी का जो आपके हृदय में बैठ जाए और आपका उद्धार महाराज हो जाए। इसलिए हर क्षण को ध्यान से सुनिए। अन्न का कण भी बड़ी भाग्य से दुर्लभ से मिलता, नहीं तो लोग भूखे घूमते हैं महाराज। सत्संग का क्षण बहुत दुर्लभ है, इसलिए बाबा कहते भगवान ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कहने लगे भवानी से, जन्म एक दुई कहव बखानी। ए भवानी ध्यान से सुनिएगा, जन्म एक दुई कहव बखानी, सावधान सुनो सुमति सयानी। जन्म जय और बीजय।
नाम जय और विजय। ये भगवान हरि के द्वार पर कथा बहुत अपार है, आपको संक्षिप्त में दर्शन कराएंगे। आज लाला का जन्म है। भगवान शंकर कहने लगे, भवानी जय और विजय। भगवान हरि के द्वारपाल, बिना द्वारपाल का मतलब है जब तक उनका आदेश न हो जाए तब तक अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो द्वारपाल भगवान के थे, देखिए भगवान के द्वारपाल हैं फिर राक्षस बन गए महाराज। प्रभु की सेवा में लगे हैं उसके बाद राक्षस बन गए। सनत कुमार लोग दर्शन करने आए, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चार लोग दर्शन करने आए भगवान के। कहा ठाकुर के दर्शन करना, जाने नहीं दिया, श्राप दे दिया, तुमने मुझको हरि के दर्शन से रोका है, राक्षस हो जाओ। जब राक्षस होने का श्राप मिल गया तो बिलबनाथ, अरे महाराज आपने मुझको राक्षस का आशीर्वाद दे दिया, इतने क्रोधित हो गए। चरणों में गिर गए, आपने जो श्राप दे दिया है ये तो झूठा नहीं जाएगा, क्या करेगा? अरे कहा करिएगा, आप जो है इतने वीर होंगे, इतने पराक्रमी होंगे, आपसे कोई जीत नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा। हाँ आप बहुत बहुत विजयी होंगे, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है, राक्षस हो गए लेकिन बहुत पराक्रमी हो गए, लेकिन इसका उद्धार कैसे होगा महाराज? उद्धार होगा त्रेता युग में जब मेरे राम जी अवतरित होंगे तब उद्धार होगा, और आप क्या बनोगे? तो भये निसाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। जय और विजय महाराज, रावण कुंभकर्ण बनते हैं जाकर। भगवान शिव कहने लगे, भवानी एक जन्म का तो यह कारण है राक्षस का उद्धार करने के लिए, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है जो आपको कथा सुनाए थे वृंदा की, जालंधर भगवान शंकर से युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद में भगवान शिव जीत नहीं पाए, तो भगवान विष्णु जो है कहने लगे जीत नहीं पा रहे हैं, भगवान शंकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उसकी पति सती थी और सती का महाराज बहुत बड़ा महत्व होता है। पत्नी यदि सती है, यदि पत्नी भगवान का पूजन करती भजन करती है तो उसके पति का महाराज बाल बांका नहीं हो सकता है, पति का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, पति चाहे जैसा हो, लेकिन आप यदि भगवान का भजन करती है पूजन करती हैं तो पति की रक्षा आपके बल पर होती रहेगी। इसलिए मारे नहीं मरता है तो मेरे प्रभु वृंदा के सामने जाते हैं, जालंधर का वेश बना करके सत्यत्व भंग करते हैं, जालंधर मारा गया। जब वो मारा गया तब वो जाकर के महाराज कुंभकर्ण रावण बनता है, तो मेरे प्रभु त्रेता युग में अवतार लेते हैं राम रूप में, तब उद्धार करते हैं। भगवान शंकर ने कहा दो और कारण हो गए भगवान के जन्म के, अब तीसरा कारण सुनिएगा। तीसरा कारण कौन सा है? तो भगवान कहने लगे, भवानी तीसरा कारण ध्यान से सुनिएगा, तीसरा कारण बहुत अच्छा है। कौन सा? एक कल्प। अब भगवान जब जन्म लेते हैं महाराज तो प्रभु जन्म के लिए इतने जब वर्षों तक कल्पों तक राक्षस लोग परेशान करते हैं तब ठाकुर का महाराज प्रादुर्भाव होता है, तब प्रभु प्रकट होते हैं। तो नारद श्राप, जब नारद की बात भगवान शंकर कहने लगे तो पार्वती ने विचार किया, नारद जो है नारद श्राप, हाँ नारद श्राप
एक बारा कलप एक ते ही लगी अवतारा
महादेव जी कहने लगे पार्वती जी से, नारद जी ने एक बार श्राप दिया था हरि को। गिरिजा जी ने कहा, नारद जी ने श्राप क्यों दिया, वो तो भगवान हरि के भगत हैं, उन्होंने श्राप क्यों दे दिया, ऐसा कौन सा अपराध किया कि भक्त ने भगवान को श्राप दे दिया, क्योंकि नारद जी संत हैं, और नारद जी संत हैं और भगवान हरि के परम भगत हैं, क्योंकि नारद जी सभी को ज्ञान देते हैं, जहां भी जाते हैं वहां नारद ही ज्ञान देते हैं। ध्रुव के पास नारद गए, प्रहलाद के पास नारद जाते हैं, कंस के पास नारद जाते हैं, इत्यादि। नारद जी के बिना महाराज कोई गुरु मंत्र नहीं पाता है, नारद जी बहुत बड़े गुरु भी हैं।